हेलो फ्रेंड्स, फ़ोन तो आज सभी यूज करते होंगे और फ़ोन को रिचार्ज भी कराते होंगे समय समय पर जब बैलेंस नहीं होता होगा तो। लेकिन दोस्तों, बैलेंस जब नहीं होता है तो आप रिचार्ज कराने के लिए रिटेलर के पास जाते हैं, जो भी कंपनी का आप सिम कार्ड यूज कर रहे हैं उसके दुकान पर जाते हैं और वहाँ जाके आप रिचार्ज कराना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आप घर बैठे खुद से अपने मोबाइल से रिचार्ज कर सकते हैं, अगर आपके पास ATM कार्ड है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो कैसे करते हैं, मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए और खुद से रिचार्ज कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन को, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है जिसान और स्वागत करता हूँ आपका डिजी क्लास चैनल में। और आपका जो मोबाइल है उसमें आपका जो ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, और ओपन करने के बाद आप जिस भी कंपनी का आपका सिम है उस कंपनी का नाम टाइप कीजिए और उसके वेबसाइट पर पहुंच के आप वहां से ऑनलाइन रिचार्ज कैसे करते हैं, चलिए हम दिखाते हैं आपको। जो भी कंपनी यूज करते हैं आप, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, यूनिनॉर, जो भी कंपनी है, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। मेरा है वोडाफोन, वोडाफोन लेके हम आगे बढ़ा दिए। तो ये देखिए दोस्तों, जो आपका जो कंपनी होगा उसका नाम लिख के आप आगे कीजिएगा तो उसका वेबसाइट जो सबसे पहला लिंक में आ जाएगा। जैसे कि मेरा वोडाफोन का आ चुका है, इस पर हम क्लिक किए तो जो भी कंपनी का आप लिख टाइप कीजिएगा इसी तरह से आएगा, और उसके ऊपर में लिखा हुआ आएगा ऑनलाइन रिचार्ज, वो भी कहीं पर होगा जरूर। इस तरह से देखिए यहाँ दिखा रहा है ऑनलाइन रिचार्ज है, पे बिल ऑनलाइन है, बाय कनेक्शन है, इंटरनेशनल रोमिंग है, ये सारे ऑप्शन है और बहुत सारे ऑप्शन इसमें है। तो हमको क्या करना है, फ़ोन को रिचार्ज करना है अपने ATM कार्ड से, डेबिट कार्ड से। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं ऑनलाइन रिचार्ज पर, और उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। मोबाइल नंबर और अमाउंट डालने के लिए आप यहाँ पर से ब्राउज मोर पैक्स, यहाँ पर बहुत सारे पैक को देख भी सकते हैं। अनलिमिटेड में क्या है, 4G 3G डेटा में क्या है, टॉक टाइम में क्या है, बोनस में क्या है, रोमिंग में क्या है, आपको जो है डालना है वहाँ से आप देख सकते हैं क्लिक करके। यहाँ पर चलिए हम अपना फ़ोन को रिचार्ज करेंगे। यहाँ पर हम अपना नंबर डालते हैं, चलिए जो मेरा नंबर है हम डाल दिए उसको, और हम यहाँ पर डालते हैं अमाउंट 30, जो भी है आप अपना डाल लीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ डेमो एक, यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन आ गया अमाउंट डालने के बाद पैक डिटेल्स, सो क्या क्या पैक डिटेल्स है आप देख सकते हैं। चलिए इसे हम क्लिक करके देखते हैं। देखिए दिखा रहा है 30 में हमको जो है टॉक टाइम देगा 22 रुपया 42 पैसा का, इस तरह से GST कितना है, ऐसे कितना है सब जैसे दिखा देगा, इस तरह आप देख सकते हैं। उसके बाद होने के बाद आपको यहाँ पर दिखा रहा है रिचार्ज नाउ पे क्लिक करना है, जिसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको नेक्स्ट पेज में लेके आ जाएगा जहाँ से आपको पेमेंट करना है। कैसे करना है, सेव कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या एम पैसा। एम पैसा दोस्तों, अगर आप वोडाफोन के यूज़र हैं तो आप एम पैसा पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो हमको करना है अपने ATM कार्ड या डेबिट कार्ड से, दोस्तों ATM कार्ड डेबिट कार्ड दोनों एक ही होता है, तो उस पर हमें क्लिक करना है। डेबिट कार्ड पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है वीज़ा, मास्टर कार्ड, डिनर्स क्लब, रुपए, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब कार्ड जो है यहाँ एक्सेप्ट है, सब करेगा आप। देखिए कार्ड नंबर है, यहाँ डालिए कार्ड नंबर डालिए अपना, यहाँ एक्सपायरी डेट है, CVV जो है वो डालिए, और जो यहाँ पर है कार्ड होल्डर नेम डाल के आप पे सिक्योरली कर लीजिए। चलिए हम सब कुछ डाल दिए, और डालने के बाद हम पे सिक्योरली पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। पे सिक्योर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, और उसमें आपको OTP डालने के लिए कहा जाएगा। और दोस्तों बता दूं कि आपका जो बैंक अकाउंट में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा, और डालने के बाद ही आपको आगे प्रोसेस होगा। और आपके पास फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड नहीं है बैंक में तो आप ये रिचार्ज नहीं कर सकते हैं अपने ATM कार्ड से। फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होना बहुत ही जरूरी है, तभी उसी पर OTP आएगा। चलिए मेरा OTP आ गया है, अब मैं OTP डालता हूँ। बैंक वालों ने ये जरूरी कर दिया है OTP को, इसलिए बैंक में नंबर रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। चलिए मैं डाल दिया और कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद देखिए मेरा रिचार्ज जो है सक्सेसफुल हो चुका है, मेरा सारा जो ट्रांजेक्शन ID वगैरह है सारा कुछ आ गया है।
आप यहाँ से उसको सेव कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर हम देखो दिखाते हैं बड़ा करके, ये देखिए सारा कुछ आ चुका है। ये देखिए मेरा पेमेंट को स्टेटस है वो दिखा रहा है कंप्लीट सक्सेसफुली। मेरे अमाउंट दिखा रहा है 30 रुपया। देखिए मेरा सारा कुछ ये दिखा रहा है। इस तरह से आप आसानी से अपने एटीएम कार्ड से अपने किसी भी फ़ोन के नंबर को रिचार्ज कर सकते हैं आसानी से, चाहे वो बैलेंस रिचार्ज हो या फिर नेट रिचार्ज हो कुछ भी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।